आखिर गया में क्यों किया जाता है पिंडदान? जानिए पौराणिक कथा और महत्व। भगवान विष्णु की नगरी गया को पिंडदान के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। गया में हर साल पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। गया में लोग पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष या महालय कहलाती है। इस दौरान पितरों को पिंडदान और तर्पण करने का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पिंडदान गया में ही क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय एक असुर की रचना कर दी, जिसका नाम गया रखा गया। वह असुर कुल में जरूर था, लेकिन उसमें असुरों की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। गया हमेशा देवताओं की पूजा उपासना में लीन रहता था। एक दिन गया ने सोचा कि वह असुर कुल में पैदा हुआ है, इसलिए शायद उसका सम्मान कभी नहीं किया जाएगा। उसने सोचा कि क्यों न वो इतना पुण्य कमा ले कि उसे स्वर्ग मिल जाए। इसी कामना में वो विष्णु जी की उपासना में लग गया। विष्णु जी उसकी उपासना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गया को वरदान दिया। विष्णु जी ने गया को वरदान दिया कि जो कोई भी उसे देखेगा मात्र उससे ही व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाएंगे। यह वरदान पाकर वह घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा, चाहे व्यक्ति ने कितने भी पाप क्यों न किए हों। जिस किसी पर भी एक बार गया की नजर पड़ जाती तो उससे ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते थे। यह देखकर यमराज काफी चिंतित हो गए। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि गयासुर उनका सारा विधान खराब कर रहा है, क्योंकि यमराज ने सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल भोगने की व्यवस्था की है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारी पीठ बहुत पवित्र है, मैं और समस्त देवगण तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करेंगे। लेकिन ऐसे में भी गयासुर अचल नहीं हुआ। तब गयासुर की पीठ पर स्वयं विष्णु जी आकर बैठे। उनका मान रखते हुए गया ने अचल होने का फैसला लिया। उसने विष्णु जी से वरदान मांगा कि उसे एक शिला बनाकर स्थापित कर दिया जाए। गयासुर ने यह वरदान भी मांगा कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें। मृत्यु के बाद यही स्थान धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बनेगा। यह देख विष्णु जी काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ है वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि किए जाएंगे और इससे मृत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं गया जी का महत्व। गया जी का महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ हो जाता है उसकी आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गया में श्राद्ध हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिलती है। गरुण पुराण के मुताबिक गया जी जाने के लिए घर से गया जी की ओर बढ़ते हुए कदम पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।